श्री गणेशाय नमः। बोल कृष्ण भगवान की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। आज मोहिनी एकादशी के दिन मोहिनी एकादशी का महात्म्य और कथा। धर्मराज युधिष्ठर बोले कि हे कृष्ण जी, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या विधि है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे धर्मनंदन, मैं आपसे एक पुरातन कथा कहता हूँ जिसको महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। श्री रामचंद्र जी बोले, हे गुरुदेव, आप मुझे कोई ऐसा व्रत कहिए जिससे समस्त पाप और दुख नष्ट हो जावें। मैंने जनक नंदिनी श्री सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं, अतः अब आप कोई व्रत बतलाइए। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध और पवित्र है। आपके नाम के स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है, इसलिए आपका यह प्रश्न लोकहित में अवश्य आएगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप तथा दुख कट जाते हैं। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल से छूट जाता है। अतः हे राम, इस एकादशी का व्रत दुखी मनुष्यों को अवश्य ही करना चाहिए। मोहिनी एकादशी के व्रत में मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अब आप इसकी कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे एक भद्रावती नाम की नगरी बसी हुई है। उस नगरी में सोमवंशीय घृत नाम का एक राजा राज्य करता था। उसी नगरी में एक धन धान्य से पूर्ण पुण्यवान एक वैश्य रहता था। उसका नाम धनपाल था। वह अत्यंत धर्मात्मा तथा विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेकों भोजनालय, प्याऊ, कुआं, तालाब, धर्मशाला आदि बनवाई। उसने सड़कों के किनारे आम, जामुन, नीम आदि के वृक्ष लगवाए। उस वैश्य के 5 पुत्र थे। उसका सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत पापी था। वह वैश्यों और गुंडों की संगति करता था। वह अपना समय जुआ खेलने में व्यतीत करता था। वह दूसरों की स्त्रियों के साथ भोग विलास करता था। वह महान नीच था और देवता पितर आदि को नहीं मानता था। वह अपने पिता के धन को बुरे व्यसनों में खर्च किया करता था। वह मद्यपान तथा मांस का भक्षण किया करता था। इस पर उसके पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों ने उसे घर से निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकलने के बाद अपने आभूषणों तथा वस्त्रों को बेच कर रहने लगा। धन नष्ट हो जाने पर वैश्यों ने तथा गुंडों ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। अब वह भूख और प्यास से दुखी रहने लगा। अब उसने चोरी करने का विचार किया और रात्रि में चोरी करने लगा। एक दिन वह पकड़ा गया, परंतु सिपाहियों ने वैश्य का पुत्र जानकर छोड़ दिया। वह दूसरी बार फिर पकड़ा गया और राजा ने उसे कारागार में बंद कर दिया। कारागार में राजा ने उसको बहुत दुख दिए और उसे नगर छोड़ने को कहा। अंत में वह दुखी होकर नगरी को छोड़ गया और जंगल में पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। फिर बहेलिया बन गया और धनुष बाण से पशुओं पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन वह पापी भूख और प्यास से व्याकुल हो खाने की खोज में निकल पड़ा और कौटिन्य ऋषि के आश्रम पर आ पहुंचा। इस समय वैशाख का महीना था। कौटिन्य ऋषि गंगा स्नान करके आए थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे मात्र से इस पापी को कुछ सुबुद्धि प्राप्त हुई। वह पापी मुनि के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनि, मैंने अपने जीवन में पाप किए हैं, आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बतलाइए। तब ऋषि बोले,
कि तू ध्यान देकर सुन। तू वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कर। इस एकादशी का नाम मोहिनी है। इसके करने से तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचनों को सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि की बतलाई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे राम जी, उस व्रत के प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए और अंत में गरुड़ पर चढ़ विष्णु लोक हो गया। इस व्रत से मोह आदि भी नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से अन्य कोई श्रेष्ठ व्रत नहीं है। इसके महात्म्य के श्रवण व पठन से जो पुण्य होता है वह पुण्य एक सहस्त्र गोदान के पुण्य के बराबर है। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। वो सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत